नमस्कार जी दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है जो शुक्रवार की है, 14 मई की है। वैशाख मास में जो है कृष्ण पक्ष जो तृतीया आती है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इतना भी हम दान पुण्य जप करते हैं तो हमारे पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। मिट्टी या तांबे के दो घड़े ले लीजिए जो जल से भरकर एक घड़े में अक्षत यानी कि चावल, साबुत चावल तथा दूसरे में तिल्ली डालकर इन घड़ों को किसी पुजारी को दान में दे दें, तो इससे दोस्तों हमें जो है बहुत ज्यादा 4 गुना फल मिलता है। इस दिन गरीबों को दान करें, उन्हें आप दाल चावल का दान कर सकते हैं। कोई भी आपके सोसाइटी में कर्मचारी हो उसे भी दान कर दीजिए दाल चावल का। और इस दिन खरबूजे मटकी का दान करें। इस दिन गंगा स्नान का दोस्तों बहुत खास महत्व है, लेकिन हम गंगा स्नान गंगा जो नहाने नहीं जा सकते, तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप पानी में अपने जो है गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तो आपको जरूर इसका फल मिलेगा। और इसके बाद आप क्या करें, इस दिन गाय को पानी जरूर पिलाएं दोस्तों। और इस दिन आप आटे में गुड़ मिलाकर, हल्दी मिलाकर और ले जाकर के आप गाय को जरूर खिला दें, क्योंकि गाय में जो है दोस्तों 88,000 देवी देवता मौजूद होते हैं। और अक्षय तृतीया इस दिन तो सारे जो है बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, सभी देवी देवता हमारे धरती पर आ जाते हैं, तो इस दिन जरूर से आपको खिलाना है गाय को। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जरूर खिलाएं। सुहागिनों को श्रृंगार का दान करें। एक नारियल पानी वाला जाकर हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर रख आइए, तो दोस्तों इससे हमें 1,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। जौ जो होता है दोस्तों वो जो होता है सोने के बराबर होता है, तो आप जौ का भी दान जरूर करें, गाय को खिलाएं और मंदिर में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों शुभता का ही प्रतीक है अक्षय तृतीया, लाभकारी है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत लाभकारी है, पुण्यकारी है। 1 ग्राम सोने का आप जरूर से कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ।